एनेक्सेशन के लिए क्यों यूज करते हैं कि हमारा जो कंट्रोलर है, एक तो हो गया हमारा कॉन्टेक्टर, दूसरा हमारा है कंट्रोलर, तो जब भी अंडर वोल्टेज होगा या ओवर वोल्टेज होगा तब कॉन्टेक्टर ऑन और ऑफ होगा। तो ऑन और ऑफ होगा तो एक से तो आप एक एनो से तो आपको ऑन ऑफ स्विचिंग मिल जाएगी, लेकिन कंट्रोलर को अपन फिर बैक फीड देते हैं कि कौन सा कॉन्टेक्टर लगा हुआ है, वो डबल सेफ्टी। बाय द वे हमारा मेंस का कॉन्टेक्टर लगा हुआ है तो जो एक एनो है वो क्या हो गया, एनसी हो गया और कॉन्टेक्टर लैच हो गया, लेकिन दूसरा एनसी को अपन क्या करते हैं दोबारा कॉन्टेक्टर को फीडबैक देते कंट्रोलर को, जिससे कंट्रोलर को पता लग जाए कि कौन सा कॉन्टेक्टर लगा हुआ है। तो अभी हमारे हमारे सिस्टम में डबल ट्रिपल सेफ्टी है। पहली सेफ्टी मैकेनिकल इंटरलॉकिंग की, एक टाइम पे केवल एक ही कॉन्टेक्टर लगेगा। दूसरी सेफ्टी हम इंटरलॉकिंग करते हैं दोनों कॉन्टेक्टर की, और तीसरी सेफ्टी कि जो कॉन्टेक्टर लगा होता है उसका फीडबैक कंट्रोलर को जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो यूज कर रहे हैं रिलायंस के लिए वो दो एनओ और दो एनसी यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके जो पार्ट्स हैं सर, इसको हमने इसमें आप देखोगे इसकी जो है ऊपर का टॉप कवर उतारती है, टॉप कवर इस तरह से खुलता है, दो स्क्रू में माउंटेड होता है। दो स्क्रू हटाने के बाद में इसका व्यू इस तरह से है, जिसमें इनकमिंग ए हो गया, L1, L2, L3, L4 और आपका जो है T1, T2, T3 इनकमिंग इसको बोल सकते हैं या इनकमिंग इसको बोल सकते हैं, कॉन्टेक्टर में रिवर्स कर सकते हैं आप। अंदर के इसके कॉन्टेक्ट दिखाए गए हैं, जो मेन कॉन्टेक्ट हैं उनको डिस्पेंडल करके दिखाया है कि अंदर से कॉन्टेक्ट हम किस तरह यूज करते हैं। इसकी जो डेटा शीट है जो टैंक के लिए आप यूज करते हो, उसे कॉन्टेक्ट जो देखते हैं हम क्लीन करना है, वैसे करना है इस तरह से ऊपर के चार मूवी है और फिक्स मल्टीमीटर से आप चेक कर सकते हैं कि भाई यदि ओपन है तो रेजिस्टेंस ने इसका दिखाएगा, या फिर शॉर्ट है तो फिर वो मल्टीमीटर में आपको शॉर्ट दी जाएगी। शॉर्ट है उस कंडीशन में आप जो है कॉइल को चेंज करना तो ये चारों स्क्रू पड़ेंगे नीचे पेट वाले और कॉइल जो है चेंज हो सकता है। नीचे स्क्रू खोलने के बाद हाँ चारों स्क्रू अभी एक बार एंसोन कर लेंगे बाहर टेबल पे सर। इसके अंदर में इसकी डेटा शीट है, डेटा शीट के हिसाब से आपको दिखाना चाहते हैं कॉन्टेक्टर दोनों चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, AC1 और AC3 के लिए। अगर हम बात करें 40 एम्पीयर AC3 के लिए यूज होगा और 63 एम्पीयर AC1 एप्लीकेशन के लिए यूज होगा, जैसा मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन किया था सेम 40 एंड 63। इसका जो कॉइल बैंड है बहुत वाइड है, इसका जो कॉइल बैंड है कंट्रोल सर्किट वोल्टेज बैंड 130 वोल्ट से लेकर 290 वोल्ट तक है, ये बहुत बैंड बड़ा है। ये दो ही चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एक तो कॉइल वोल्टेज क्या है बैंड के, ये आप नोट कर लीजिएगा अपने पास में। ठीक है सर, 10 केवी का अलग हो गया, 20 केवी का अलग हो गया। साइड लीवर को उठाना है,
और हैंडल ब्लॉक आपका साइड करके बाहर आ जाएगा। अगर कनेक्टर की कॉइल चेंज करनी है या मैकेनिकल इंटरलॉक चेंज करना है तो उसका प्रोसेस क्या रहेगा? ये साइड एनल ब्लॉक है, साइड एनल ब्लॉक के लिए साइड में आपने लीवर देखे ना, स्क्रू ड्राइवर उसमें फंसा के तब साइड से निकाला है। और ये जो वीडियोस में आपको दिखा रहा हूँ, हमने इसको बहुत ही छोटी सी फाइल साइज में हमने बनाया है ताकि हम लोग आपको व्हाट्सएप पर भेज सकें। कहीं भी आप फील्ड में हो, कुछ भूल भाल गए तो अपने वीडियो देखी और अपना जो भी कॉन्टैक्टर में काम करना है करके अपना क्लोज किया। तो ये सर मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, इंटरनली आप जो है अपना शेयर कर दूंगा। ये थोड़ा प्रोजेक्टर पे साफ नहीं दिखाई दे रही है बट क्लैरिटी ओके। हाँ ये सर ऐसे फंसे रहते हैं ये जो लोग मिल रहे हैं? हाँ ये आराम से रखे होते हैं, ये रखे होते हैं। हाँ इसको आग छूट बोलते हैं, जब भी आग निकलती है ना तो ये उसको एक रास्ता देता है। स्पार्किंग को गाइड करने के लिए अगर ये नहीं देंगे तो जो आसपास का जो इंसुलेटिंग मटेरियल है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा, तो इनका होना जरूरी है। बेसिकली नोन एज कॉन्टैक्टर में इसको हम रिफ्लेक्टर बोलते हैं, ब्रेकर वगैरह में आग छूट बोलते हैं, ब्रेकर एमसीसीबी के अंदर। Is there any warranty seal on contactor? It is only batch call. So if anyone unskilled person has opened it, so by opening of the contactor, nothing will happen until unless something is not damaged.
let's say there are two, three points are only important in a contactor. First is E-core. E-core surface should be clean. If somebody will use some ambery paper or something like that, or some denting will be there, so contactor there. Second is, there is a assembly of the main contacts, moving and fixed. If somebody will tamper in that area, tamper in terms of physical damage. Physical damage up to nahi hai, kuch nahi ho sakta contactor. Otherwise, assembly mein koi mistake ke chances. Koi mistake ke chances. और सर ये हम वीडियो दे देंगे सर, मतलब जब इतना बड़ा मतलब जेनसेट का पैनल संभाल लेते हैं छोटा सा कॉन्टेक्टर है सर, इससे तो कुछ नहीं होगा। और सर एक आदमी को दिक्कत आ भी गई तो नहीं समाओ, कुछ मैन्युफैक्चरर स्पेसिफिक होते हैं ना कि विदाउट आवर इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। सर यस यू आर एब्सोल्युटली राइट, वी हैव सर्टेन प्रोडक्ट्स लाइक एमसीसीबी थर्मल ओवरलोड रिलेज एंड सम रिलेज, जिसमें अगर सील ब्रोकन तो नो वारंटी, बट कॉन्टेक्टर इज मेंट फॉर ऑल दीज थिंग्स। उसको तो हमको ओपन करके कोई बदलनी पड़ेगी। If the coil is burned because of the voltage fluctuation, so you have to do this. And every time manufacturer cannot come. It will not be viable. Or sir, contactor is a product which is not costly. MCCB, yeah, numerical relays, they are very costly products. So वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा रिजिड रहते हैं, तो भैया यहाँ नहीं बोलना, अगर ये बोला तो पैसे मतलब कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, चार्जेबल सपोर्ट मिलेगी आपको। नेक्स्ट जिसका मैं अपने रिकॉर्ड के लिए चाहिए होता है, इंटरनल रिकॉर्ड के लिए। ओके आपके पास में होगा, सेम हम उसकी फोटोकॉपी ले लेंगे। नहीं हम तो रजिस्टर भी नोट करते हैं, एक सेपरेट बना देंगे उसके ऊपर। देखिए अगर कोई उल्टा लगाएगा फिटिंग नहीं होगा, इसमें पोके होता है, अगर कोई उल्टा लगाने की कोशिश करेगा तो फिटिंग उसकी जगह में बैठेगा ही नहीं। हाँ सर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देखिए मेंटेनेंस करना, सर्विसेज करना, रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपकी अपनी खुद की सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी वर्ड आप बहुत बहुत कॉमनली सुनते हैं, हर कोई सेफ्टी की बात करता है, बट हम ही वो लोग होते हैं जो अपनी सेफ्टी के साथ खुद ही हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। सेफ्टी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का मतलब पता है, सप्लाई आ रही है और हमें पता है कि हम चलती हुई सप्लाई पे काम कर रहे हैं, तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम इतने कई बार प्रेशर में होते हैं या कई बार इतनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम ना चाहते हुए भी ऑनलाइन पर काम करते हैं। जी अवॉइड इट। मैं खुद जला हुआ हूँ, ये मेरा पूरा हाथ चल गया था, ये हाथ चल गया था, पूरा चेहरा चल गया था। सो और हमने मतलब लाइक हमारे फील्ड के अंदर हमने देखे बहुत मेजर एक्सीडेंट्स देखे हैं जिसमें ऑन द स्पॉट बंदे खत्म होते थे। जी मेरी सजेशन ये है कि जब भी कभी भी आप काम करो, आपका टूल टूल क्या, स्क्रू ड्राइवर, प्लायर, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बेसिक टूल, वैसे तो बहुत सारे टूल्स होते हैं बट दीज आर दी बेसिक बेसिक। थर्ड आपका जो इक्विपमेंट है वो है आपका मल्टीमीटर या क्लैमीटर। इन तीन चार चीज़ों पर जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। स्क्रू ड्राइवर अच्छी कंपनी का हो, टपारिया या जो भी अच्छी कंपनी हो। अच्छी कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है कि यार उसका जो इंसुलेटिंग मटेरियल है या जो उसने अंदर में जो इंडिकेटिंग बल्ब लगाया होगा अच्छी कंपनी का लगाया होगा, ऐसा ना हो कि इंसुलेटिंग मटेरियल के अंदर में जो है किसी वजह से कई बार जो है कुछ क्रैक्स वगैरह होते हैं और उससे जो है आपको वोल्टेज लीकेज और आपको करंट लगे। ठीक है, सेकेंड क्या होता है, वोल्टेज चेक करने के लिए क्लैमीटर या हम मल्टीमीटर यूज़ करते हैं। चाइना के आज की तारीख में 250, 300, 350 रुपए वाले आते हैं और मोस्टली लोगों के पास में वही होते हैं। तो ट्राई टू टॉक टू योर मैनेजर और योर कंपनी कि वो अच्छी कंपनी का हो, सो दैट जब आप चेक कर रहे हो तो वो वोल्टेज सही बताए। कई बार ऐसा हो कि मल्टीमीटर में वोल्टेज आ नहीं रही और आपको लगा वोल्टेज नहीं है और उसमें सप्लाई आ रही है और जैसे आपने काम करना स्टार्ट किया तो जो है शॉक लगेगा। एंड थर्ड जो मेरी सजेशन है कि आप
ग्लव्स, ग्लव से काम करना थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, कन्वीनियंस नहीं होता, बट प्लीज ये तीन चीजों की आदत डालो, लाइफ आपकी है, होगा नहीं तो कुछ नहीं होगा पूरी जिंदगी, अगर हो गया तो एक बार निपट जाओ, बिकॉज हमारे लगभग लगभग 500 लोगों की मैन पावर है जो ऑल इंडिया काम करती है, और छोटी इंस्टॉलेशन से लेकर बड़ी इंस्टॉलेशन लाइक एनटीपीसी के साइट एग्जीक्यूशन जॉब करते हैं, करोड़ों के जॉब एग्जीक्यूट करते हैं, सारे दिन इलेक्ट्रिकल पैनल्स में काम करते हैं, सबके साथ कुछ नहीं होता है, लेकिन किसी एक बंदे के साथ होता है 6 महीने साल के अंदर में, और वो या तो क्रिटिकली जो है हॉस्पिटल में 2-4 महीने के एडमिट हो जाता है या चला जाता है। सो ये मत सोचना कि यार मेरे को तो कुछ नहीं होता, मुझे तो इतना एक्सपीरियंस है, नो, इलेक्ट्रिसिटी किसी की नहीं है, किसी की सगी नहीं है, जरा सी गलती करोगे काम तमाम, चाहे वो थोड़ा सा हो कि ज्यादा सा, नुकसान होगा होगा। सो स्क्रू ड्राइवर, प्लायर अच्छी कंपनी के, क्लैंप मीटर या मल्टीमीटर, ये भी आपके, मैं ये नहीं कहता आप एकदम हाई फाई लो, फ्लूक वगैरह के लो, बट एटलीस्ट ऐसे लो जो प्रॉपर ISI मार्क या जो रेपुटेड कंपनी हो, चाइनीज वाइनीज के चक्कर में मत पड़ना, ठीक है सर। और ग्लव्स, ग्लव्स वाले जो ग्लव्स हैं आपके केस में 500 वोल्ट का ग्लव्स बहुत है, वो पतला सा भी रहता है और उसमें काम करने में भी आसानी करती है, क्योंकि सारी सावधानी लेने के बावजूद भी कई बार गलती हो जाती है, कहीं ना कहीं से लीकेज वोल्टेज आ रही है और लग जाता है शॉक। सो दीज आर दी थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर। इसमें हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जब भी कॉन्टेक्टर पे आप काम करो, पावर सप्लाई और कंट्रोल सप्लाई हमेशा आइसोलेट होनी चाहिए, इनकेस अगर आपको वोल्टेज चेक करनी है तो उस टाइम आपको प्रॉपर ग्लव्स यूज करने हैं, प्रॉपर टूल्स यूज करने हैं, लाइक आपको पावर का करंट मेजर करना है कि कितना करंट ड्रॉ कर रहा है क्लैंप मीटर डाल के, या आपको कॉइल पे कितनी वोल्टेज आ रही है, या डीसी सेट कितनी वोल्टेज जनरेट कर रहा है, अगर आपको चेक करना है तो यू शुड हैव ऑल दीज सेफ्टी इक्विपमेंट्स, PPE, पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है सर। दीज आर द बेसिक थिंग, मतलब कभी जैसे आप अपने पैनल्स को साफ करते हो तो पैनल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो हमारे कॉन्ट्रैक्टर के लिए भी एप्लीकेबल है, फर्स्ट डू नॉट यूज सैंड पेपर और फाइल, जो हम एमरी पेपर की बात कर रहे थे, सेकंड अवॉइड यूजिंग एयर ब्लोअर, जनरली हम ब्लोअर मारते हैं, ब्लोअर की जगह वैक्यूम क्लीनर सजेस्ट किया जाता है, बट ठीक है अगर अवेलेबल नहीं है तो मैनेजेबल, बिकॉज आपके केस में एक पैनल होता है, हमारे केस में मल्टीपल पैनल होते हैं, तो हम क्या सजेस्ट करते हैं कि अगर आप ब्लोअर मारोगे तो यहाँ की मिट्टी उठ के साथ वाले पैनल में बैठ जाएगी, साथ वाले की उस साइड में बैठ जाएगी, बट आपके केस में मेरे ख्याल से इट्स अ सिंगल कैबिन है तो ब्लोअर चलेगा, हमारे केस में हम वैक्यूम क्लीनर सजेस्ट करते हैं। यूज लिक्विड क्लीनिंग एजेंट CRC 2-26, एक ही क्लीनिंग बॉटल आती है इलेक्ट्रिकल कॉम्पोनेट्स के लिए, लगभग 360-350 रुपए की मार्केट में मिलती है CRC 2-26। अच्छा सर, ये जो CRC 2-26 है जी सर, ये कंडक्टर तो नहीं, इसका लिक्विड नहीं, कंडक्टिव नहीं है सर, शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे सर, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल कॉन्टेक्ट के लिए बनाई गई है सर, जो कॉटन के साथ, कॉटन के कपड़े के साथ उसमें डिप करके हल्के से उसको साफ करने में जो है उसका रिजल्ट अच्छा आता है। देखिए टाइटनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर में, टाइटनिंग अगर नहीं होगी, टर्मिनल्स अगर टाइट नहीं होगा तो लूज कनेक्शन होगा, और लूज कनेक्शन होगा तो जो है उसमें फ्लैश ओवर्स और डैमेजेस होंगे, ठीक है, और एक बार जब आग लग जाती है फिर ये बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि शुरुआत कहां से हुई, बट जो शुरुआत होती है वो टर्मिनेशन से होती है जनरली, ठीक है सर। तो टर्मिनेशन के लिए जो टाइटनिंग टॉर्क है साइड्स पे, टाइटनिंग टॉर्क डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल है, चैलेंजिंग है, क्योंकि उसके लिए एक टाइटनिंग टॉर्क स्क्रू ड्राइवर होता है, बट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के अंदर भी जनरली टाइटनिंग टॉर्क मेंटेन किया जाता है। जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए अलग अलग बोल्ट साइज होते हैं M5, M6, M8, M10, M12, M14, उसके लिए 0.22 से लेके 7.75 तक टाइटनिंग टॉर्क डिफाइन किया जाता है। अब फील्ड में कैसे करोगे, फील्ड में तो टाइटनिंग टॉर्क होता नहीं है, और मैन पावर टू मैन पावर, लाइक कोई सुपर स्ट्रॉन्ग है मीन्स कोई ज़्यादा शक्तिशाली है और कोई जो है नॉर्मल है तो उसके हिसाब से वो टाइट करता है, तो वहाँ आपको थोड़ा कॉन्शियसली काम करना है, इतना ज़्यादा टाइट मत कर देना कि स्क्रू फ्री हो जाए, और इतना लूज मत छोड़ देना कि जो है वहाँ पे किटिंग हो जाए। आप लोग सर क्या रिकमेंड करते हो, कैसे करते हो, लाइक हाउ डू यू डू, मींस इन योर केस जेनसेट के केस में कुछ नट बोल्ट्स आपको टाइट करने होते होंगे, सो जेनसेट में टॉप मार्केट बहुत, लेट्स से आफ्टर 1 ईयर और 2 ईयर, आफ्टर 1 ईयर और अगर उसको टाइट करना है तो कैसे करेंगे, मींस लाइक टॉप रिंच है, टॉप रिंच है, टीम को देकर रखते हैं, यस, लेकिन हम बट स्क्रू के लिए नहीं है, हमारे बोल्ट है M8 M6 ओके नट बोल्ट है, तो कॉन्टेक्टर के केस में मैं सजेस्ट करूंगा वाइजली आपको टाइट करना है, वाइजली थोड़ा दिमाग लगा के यार कहीं ज्यादा टाइट तो नहीं हो रहा है, मतलब अच्छे से
स्क्रू ही उखड़ जाए जड़ से, ठीक है, और इतना लूज मत छोड़ देना की जो है अदरवाइज जैसे आप टॉर्क रेंच यूज करते हैं अपने जेनसेट्स के लिए, सेम टॉर्क रेंच हमें इन चीजों के लिए यूज करना चाहिए M5 M6 के बोल्ट के लिए. These are general guidelines. अब troubleshooting की बात करते हैं. सब कुछ अच्छी अच्छी बातें कर ली, फेलियर्स फिर भी होंगे. जो फेलियर्स होंगे उसके सिम्टम्स क्या होंगे, उस सिम्टम्स से आप कोरिलेट कर सकते हैं. ये जो फोटोग्राफ है, ये फोटोग्राफ है इस वाले कॉन्टेक्टर की कॉइल की, जो भी ये वाला कॉन्टेक्टर दिखाते हैं TC1D 40 वाला जो 10 KVA, उसकी कॉइल जलने के बाद का सिम्टम है. अगर ये बॉबिन इस तरह से अंदर से पिंगला हुआ है तो वोल्टेज जो है लो रही है, लो वोल्टेज पे ऑपरेट हुई है कॉइल. इसका फोटो खींच लो यार, ये फिर वो ये स्लाइड में आपको सर तो फिर पता होना चाहिए आपको कि दिस इज ड्यू टू द लो वोल्टेज. ये फोटो ये मैं आपको पूरी पीपीटी दे दूंगा अकॉर्डिंगली, फिर आप अपनी टीम के साथ में जो भी स्लाइड्स आप देना चाहेंगे रो पे यही है. ये अलग अलग फोटोग्राफ्स हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स की हैं, जिसका आपको आइडिया देने के लिए अगर टर्मिनेशन इस तरह से गए हुए हैं, लाइक जैसे ये है आपका TC1D 7000 वाले फ्रेम के टाइप के कॉन्टेक्टर का, तो टर्मिनेशन अगर इस तरह से गए हैं तो ये बेसिकली लूज टर्मिनेशन के सिम्टम्स हैं. ये देखिए तो ऐसे केसेस में रिप्लेसमेंट डिनाइड, जहां पे भी लूज टर्मिनेशन है, जहां पे कॉन्टेक्टर टर्मिनल से गया और कॉइल गई तो जो है हमारा रिप्लेसमेंट डिनाइड. ये हमारी तरफ से जनरल गाइडलाइंस थी, और कोई भी स्पेसिफिक क्वेश्चंस हो, कुछ भी हो, तो यू कैन सेंड अ मेल ऑन customercare@csfactory.com और यू कैन रूट थ्रू योर टीम लीडर, ही कैन इंटरेक्ट विद अस. ठीक है सर, आप हैंडसम कर लेते हैं सर. सर अभी इनको एक जैसा वो बता दीजिए इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल जो रहता है लॉकिंग इंटरलॉकिंग मैकेनिकल इंटरलॉकिंग इलेक्ट्रिकल हाउ इट इज इम्पोर्टेंट और अगर नहीं है तो क्या क्या पॉसिबल कॉज होते हैं. ओके ये प्रैक्टिकल हैंडसॉन पे बताएं इसके बाद करेंगे नहीं उसमें हमने मैकेनिकल इंटरलॉक लगा रखा है उससे नहीं वो एक जैसे थ्योरी बता दो फिर वहां पे जब प्रैक्टिकल करेंगे तो क्लियर हो जाएगा. इम्पोर्टेंस और डूज एंड डोंट्स अगर नहीं है तो क्या हो सकता है. हमने थोड़ी देर पहले जब स्टार्ट किया था इंट्रैक्शन तो उसमें हमने दो वर्ड यूज किए थे डीसी और टीबी. तो दो डिफरेंट सप्लाई है राइट सर, दो डिफरेंट सप्लाई के लिए आप दो डिफरेंट कॉन्टेक्टर यूज करते हो. डीसी के केस में डीसी वाला होना चाहिए और ईबी के केस में ईबी वाला होना चाहिए. अगर अगर दोनों कॉन्टेक्टर एक साथ में ऑन हो जाते हैं तो क्या दिक्कत हो सकती है. ब्लास्ट क्यों होता है, क्योंकि उनके बीच में जो फेज एंगल है डिफरेंट होता है और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, इस वजह से जैसे ही आप उनको आपस में कनेक्ट करते हैं तो ब्लास्ट करता है. तो हमें क्या इंश्योर करना है कि दोनों कॉन्टेक्टर किसी भी हालत में एक साथ में ऑन ऑफ, मतलब एक साथ में ऑन ऑफ, ठीक है, एक अगर ऑन है तो दूसरा ऑफ रहे और ये ऑन है तो ये ऑफ रहे. उसके लिए हमने क्या किया है, दो तरह के हमने इंटरलॉक्स इसमें लिए हैं. फर्स्ट इंटरलॉक इज दिस मैकेनिकल इंटरलॉक. मैकेनिकल इंटरलॉक जिसके लिए क्या किया हुआ है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन दिखा देता हूँ मैं आपको. जब मेरा कॉन्टेक्टर ऑन होता है, ये आप देख पा रहे हैं साइड से, ये इस स्लॉट में आप देख पा रहे हैं, ये देखिए स्लॉट को. मैकेनिकल इंटरलॉक में मैंने दो पिन दी हुई है, एक राइट साइड में पिन है और एक लेफ्ट साइड में पिन है. दोनों कैरियर के बीच में वो पिन फंसी हुई है. अगर एक कैरियर मेरा ऑन है तो दूसरी वाली पिन दूसरे कैरियर को ऑन नहीं होने देगी. अल्टीमेटली जो कैरियर है ना मेरा, ये कैरियर इसको मैंने उस पिन से एकदम होल्ड करके रखा हुआ है, लेकिन मैकेनिकल आइटम है टूट सकती है भाई. ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल मतलब पत्थर की लकीर है कभी नहीं कुछ होगा, 6 महीने साल के बाद में या 2 साल के बाद में या 5 साल के बाद में टूट सकती है. तो अगर ये मेरा फेल हो गया तो चांसेस हैं दोनों सप्लाई शॉर्ट हो सकते हैं. तो मैंने क्या किया है यहाँ पे ये एडम ब्लॉक दे दिया है. कॉन्टेक्टर जब भी कभी पिक होगा तो किससे पिक होगा, कॉइल से, कॉइल से, ठीक है. अगर कॉइल को सप्लाई आ गई तो कॉइल पिकअप होगी, उसको मतलब नहीं कि डीसी होना है ईबी होना है, उसको तो सप्लाई आई और उसने उठा के कॉन्टेक्टर को मेक कर देना है. तो हमने क्या किया है, इस कॉन्टेक्टर की जो कॉइल है, इस कॉन्टेक्टर की कॉइल इस कॉन्टेक्टर के ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट के साथ में इंटरलॉक डालती है. अगर ये ऑन है तो इसको सप्लाई कभी जा ही नहीं सकती, किसी भी हालत में नहीं जाएगी. अगर लेकिन
किसी ने इंटरलॉकिंग की वायर भी हटा दी, मैकेनिकल इंटरलॉक भी अगर उसका टूटा हुआ है तो सप्लाई शॉर्ट हो सकती है। आपके लिए जब भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए आप जाओ, मैकेनिकल इंटरलॉक हाथ से आप चेक कर सकते हो ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है। कैसे हाथ से चेक करोगे कि अगर आप एक को दबा देते हो तो दूसरा वाला जो है दबना नहीं चाहिए, ठीक है, और अगर ये दबा देते हो तो ये वाला नहीं दबना चाहिए, इससे आपको पता चल जाएगा। लेकिन जब आप ये टेस्ट कर रहे हो तो प्लीज इंश्योर इलेक्ट्रिकल सप्लाई और डीसी सप्लाई बोथ शुड बी कंप्लीटली कट ऑफ। ऐसा ना हो कि भैया ये दब जाए और इससे जो निकलेगा अनार पैनल के साथ साथ आपका चेहरा भी जो है रंग बिरंगा बना दे। आई एम एक्चुअली जोकिंग बट दिस इज वेरी वेरी सीरियस और होता है, होता है क्योंकि मेरा चेहरा एक साल जो है अनार की तरह से लाल रहा है, मैं बाहर भी नहीं निकल पाता था। सो आई एम गिविंग यू अगेन एंड अगेन वार्निंग, मैं आपको बार बार डरा रहा हूँ, गलती से भी गलती मत करना। जब भी कभी भी काम करो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई डीजी सप्लाई शुड बी कम्प्लीटली ऑफ, प्लीज चेक योर सेल्फ। तुम्हारे साथ में अगर कोई एक्सपर्ट है वो कोई कहते हैं जी मैंने बंद कर दिया चिंता मत कर मैंने कर दिया है मैं देख लूंगा, नो डोंट रिलाय। एक शब्द है भाई साहब याद रखना, ट्रस्ट ट्रस्ट बट स्टिल यू चेक, समझ रहे हो, विश्वास करो लेकिन फिर भी एक बार तसल्ली कर लो, चेक कर लो। उसकी गलती अगर हो गई वो सॉरी बोल देगा तो तुम्हारा काम हो जाएगा। सो प्लीज एंश्योर कि जब भी आप इस तरह का ये टेस्ट कर रहे हो तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और डीसी सप्लाई ऑफ हो, इस कैरियर को आप हाथ से दबाओगे तो ये कैरियर आपका जो है दबना नहीं चाहिए। दिस इज वन। सेकंड, जो इसके ऊपर में एडन ब्लॉक लगे, कई बार एडन ब्लॉक भी कॉन्टेक्ट के गड़बड़ कर जाते हैं, खराब हो जाते हैं तो उसके जो NONC दिए हुए हैं इसके अंदर में मल्टीमीटर से चेक कर लो कि काम कर रहे हैं नहीं कर रहे। सो दीज आर दी टू इंपॉर्टेंट थिंग, ये दोनों होने बहुत जरूरी है आपकी एप्लीकेशन। लेकिन जो अपनी फील्ड कंडीशन है, फील्ड कंडीशन में ये 80 डिग्री सेल्सियस से ऊपर एम्बिएंट टेम्परेचर कैसे जा सकता है? हमारा जो ये कॉन्टेक्टर्स है एक एनक्लोजर के अंदर, एक एमएफ पैनल एनक्लोजर्स के अंदर लगे हुए, कॉन्टेक्टर कोई भी 80 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। लेकिन बाई द वे आपके जो लूज कनेक्शन है नीचे या ऊपर आउटपुट में लूज कनेक्शन है तो वहाँ पर क्या होगा, हीटिंग भी हो सकती है, स्पार्क भी हो सकता है, तो उस हीटिंग की वजह से टर्मिनेशन तो जलेगा ही जलेगा साथ में टेम्परेचर भी बढ़ेगा। तो एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर पीएम सर्विस इंश्योर कि आपका सारे टर्मिनेशन है चेक कर वो टाइट होनी चाहिए। सेकेंड चीज अपना क्या है, अपना जो केबल है नॉर्मली ये अपना केबल है और हम तीन तरीके के हम लग यूज करते हैं, एक तो यू टाइप, दूसरा आई टाइप और तीसरा पिन टाइप। तीन तरीके के लग यूज कर रहे हैं नॉर्मली मोटा मोटी। जब भी हम कंडक्टर को डालते हैं, कंडक्टर का मतलब वायर, कोई सा भी वायर उसको कंडक्टर बोलते हैं, तो हमने इसके अंदर वायर को डाला तो ये हमारा क्रिम्पिंग होना चाहिए, पंचिंग हो या फोल्डिंग हो। अब नॉर्मली क्या करते हो फील्ड में, आप लोग इसको लिया और स्क्रू ड्राइवर से पीट दिया तो आपको ऊपर से तो वो क्या लगता है बिल्कुल टाइट हो गया, लेकिन अंदर एक या दो वायर हमेशा लूज हो जाए। और वो केवल दो वायर ही ऐसे होते हैं जो कि आपके पूरे सिंबल को पूरा शॉर्ट सर्किट करते हैं। सर ये कॉन्टेक्टर जो है वो डीसी कॉइल के अंदर आ सकते हैं क्या सेपरेटली, मींस बोलो अगर ऑटो सिस्टम वाला पूरा है डीजी अपना तो डीजी के पैनल के अंदर ही सेपरेटली आ सकते हैं कि डीजी के बाहर ही लगेगी? डीजी के अंदर ही डीजी के पैनल के अंदर ही लगाते हैं, पैनल के अंदर लगेंगे सर। तो डीजी कोई रूम में रहा तो उसका टेम्परेचर भी 80 के प्लस जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम होने का चांस नहीं है। आपका क्वेश्चन बहुत सही है इनका, पहले आप समझो मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। आपका क्वेश्चन सही है, वो किस कंडीशन में जाएगा वो बताऊंगा।
तो ये हमारी क्रिम्पिंग हमको कैसे करना है, हमारा स्क्रू ड्राइव जो हमारा प्लायर होता है या तो क्रिम्पिंग का टूल आता है, क्रिम्पिंग का टूल आता है। कभी भी बड़ी केबल को यदि 50 mm स्क्वायर की केबल को आप क्रिम्पिंग कर रहे हैं तो क्रिम्पिंग टूल से ही करें। छोटा केबल है कंट्रोल वायर का, कंट्रोल सर्किट का, तो उसको प्लायर से क्रिम्पिंग कर सकते हैं जो कि उसके अंदर लोड करंट कम होता है। लेकिन कोई भी 50 mm स्क्वायर का केबल है तो उसको आप क्रिम्पिंग टूल से ही क्रिम्पिंग करें, ठीक है। तो यदि आप ये क्रिम्पिंग सही करते हैं तो आपका ये कॉन्टैक्ट ठंडा रहेगा, आपका कॉन्टैक्टर कॉइल ठंडा रहेगा और कॉन्टैक्टर की फेलियर कम होगी, कम होगी, ठीक है। दूसरा सर ने बताया ये थोड़ा सा क्लीनिंग के लिए, तो क्लीनिंग के लिए हमेशा कॉटन यूज करना। हमारे पास एक बहुत बढ़िया सॉल्वेंट होता है क्या, डीजल। तो हम सब लोग क्या करते हैं, डीजल के अंदर कपड़ा डालते हैं और उसको रगड़ते हैं। डीजल क्या होता है, एक टेम्परेचर के बाद इनफ्लेमेबल होता है, यदि उसके ड्रॉप रह गया कुछ रह गया तो वो जलेगा, वो जलेगा तो आपका क्या होगा, ये इंसुलेशन जो है इस इंसुलेशन को पिघलाएगा तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए कभी भी डीजल के कपड़े से अपने कॉन्टेक्ट को साफ मत करना, केवल हमको डस्ट निकालनी। अच्छा दूसरी बात, डीजल क्या होता है, एवोपरेट नहीं होता, डीजल कभी भी एवोपरेट नहीं होता। पेट्रोल है तो एवोपरेट हो जाएगा थोड़ी देर बाद, लेकिन डीजल एवोपरेट नहीं होता। तो डीजल यदि यहाँ पर रह गया तो ये क्या करेगा, और डस्ट को अट्रैक्ट करके और यहाँ पर डस्ट और जमाएगा। और फिर सर ने क्या बोला, यदि डस्ट जमेगी तो आपके कॉन्टेक्ट रेस्ट्रिक्ट होंगे और वहां पर फिर हमिंग साउंड आना चालू हो जाएगी। तो कभी भी इसको डीजल कपड़े से साफ नहीं करना। हमारे पास बहुत ही इजीली डीजल और ऑयल वगैरह हमारे पास होते हैं, लेकिन पेट्रोल नहीं होता, ठीक है। पेट्रोल से करना चाहो तो एक बार कर सकते हो, लेकिन डीजल से तो बिल्कुल मत कर सकते, ठीक है सर। तीसरा एक पॉइंट क्या था, ब्लोअर, कि आप ब्लोअर यूज कर सकते हैं। वैसे तो वैक्यूम करना चाहिए, ये फैक्ट है। हमारे पास एक वायर ब्रश होता है, पेंटिंग वाला ब्रश हमारे सभी के बैग में होता है। आपको कभी भी साफ करना है, आप पेंटिंग के ब्रश से थोड़ा सा डस्ट को ढीला कर लीजिए, थोड़ा सा डस्ट को ढीला कर लीजिए और उसके बाद सारे जितने भी आपके पॉइंट्स हैं उन सबको टाइट कर लीजिए। होगा क्या, आपने लिया और ब्लोअर का प्रेशर मारा और एक जो वायर ढीला पड़ा हुआ था वो निकल के चला गया, ढूंढोगे पूरे पैनल में ये वायर कहां से निकला। वो वही करते हो तुम लोग दिन भर, सुबह से शाम तक या तो टेलीफोन पकड़ते हो, अपने मैनेजर को परेशान करते हो। तो पहले ब्लोअर मारने से पहले जितने भी कॉन्टेक्ट पॉइंट हैं उनको सबको टाइट करो, ब्रश से थोड़ा सा डस्ट को लूज करो और लूज करने के बाद में आप धीरे धीरे उसको ब्लोअर को मार, सबसे बढ़िया तरीका। चौथा, ब्रोकन मैकेनिकल इंटरलॉकिंग। इसमें हमारी फील्ड कंडीशन क्या है, अल्टरनेटर बर्न, अल्टरनेटर बर्न जब मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, लॉरेंस उमर के पास, सीजी के पास, वो क्या कहता है, रिवर्स पावर, पावर पावर। अब इस रिवर्स पावर का रीजन क्या है, जब मैंने तीन तीन सेफ्टी दी है, एनेक्सेशन दिया है कंट्रोलर में, मैकेनिकल इंटरलॉकिंग दी है, इलेक्ट्रिकल इंटरलॉकिंग दी है, तो रिवर्स पावर का रीजन क्या है। होता क्या है नॉर्मली, यदि बाय द वे अंडर वोल्टेज हुआ, क्या हुआ, अंडर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज का मतलब मेरा मेंस का वोल्टेज कम और डीजी दोनों से ही कंसर्न। अंडर वोल्टेज हुआ तो कंट्रोलर में जो सेट पैरामीटर है, सेट पैरामीटर से यदि अंडर वोल्टेज होगा तो कॉन्टेक्टर अनहोल्ड हो जाएगा। सेट पैरामीटर से, सेट पैरामीटर कितना है हमारा, यदि 10 kVA के लिए देखते हैं हम तो 130 volt AC, ये हमारा सेट पैरामीटर है। इस पैरामीटर से यदि वोल्टेज डाउन गया तो क्या होगा, अनहोल्ड, कॉन्टेक्टर अनहोल्ड हो जाएगा। लेकिन वो साइड टेक्नीशियन क्या समझता है कि लाइट तो आ रही है, क्योंकि वो टेस्टर से चेक करता है, और टेस्टर से भी चेक नहीं करता तो उसके कुछ वेस्टर्न इंटरेस्ट होते हैं डीजल वीजल के, तो वो क्या करता है, फोर्सफुली इस कॉन्टेक्टर को लकड़ी से होल्ड करता है। अब उसने होल्ड तो कर दिया, ठीक है। अब जब लाइट पूरी, मतलब लाइट पूरी चली गई, तो ये लकड़ी तो इसके अंदर फंसी हुई है, डीजी जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा, उसका कॉन्टेक्टर लगेगा। अब कॉन्टेक्टर बार बार लगने की कोशिश करेगा, क्या करेगा, क्योंकि ये तो होल्ड है,
लेकिन वहां से कंट्रोलर कमांड दे रहा है तो कॉन्टेक्टर बार बार होल्ड होने की लैच होने की कोशिश कर रहा है, तो उस वक्त क्या होगा, दोनों इंटरलॉकिंग के बीच में एक स्प्रेगन तो हो सकता है वो टूट जाए, और ना भी टूटे तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट में यदि वो जंप भी कर गया या लग भी गया किसी भी तरीके से तो हमारी रिवर्स पावर होगी। तो रिवर्स पावर के केस में जहां पे भी ऑल्टरनेटर जलता है वहां पर हमको ध्यान रखना है कि ये जो जहां पे वो लकड़ी घुसाता है ना वहां पे कोई मार्क तो नहीं है लकड़ी के स्क्रू ड्राइवर के, यदि स्क्रू ड्राइवर के और लकड़ी के कोई मार्क है तो आप उसका फोटोग्राफ लो, ठीक है। उसका आगे में तो वेंस भी है और ऑल्टरनेटर कैसे जलेगा, तो टू पोल का जो वेंस भी है कहां पे एमसी भी है जो कॉन्ट्रैक्टर जो डीजी से साफ हुआ है। ऐसा होता है कि रिवर्स पावर के केस में आपका जरूरी नहीं कि 5 मिनट तक लाइट है, आपका ऑल्टरनेटर और मोटर के अंदर एक ही अंतर होता है कि मोटर तो इलेक्ट्रिकल करंट लेके और घूमती है और ऑल्टरनेटर क्या करता है आउटपुट निकालता है, तो वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी लाइट जाएगी ना तो उसकी बाइंडिंग हीटअप हो जाएगी, और ये तो छोटे इंजन है, यदि बड़े इंजनों में 500 KV 1000 KV में जाओगे तो रिवर्स पावर जो होती है तो आपकी कपलिंग वगैरह क्रैंकशाफ्ट तक टूट जाती है, इतना ज्यादा टॉर्क डेवलप होता है, तो होगा वो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड के लिए, ठीक है। तो उसमें आप ये कह रहे हो कि ये कॉन्टेक्टर है, ये कॉन्टेक्टर है, इधर एमसीबी लगा हुआ है, तो ये एमसीबी जब तक ट्रिप होगा जब तक एमसीबी ट्रिप होगा तब तक एक दो स्पाइक तो अंदर घुस ही जाएगी, एमसीबी यदि ट्रिप नहीं होता तो वो तो कपलिंग वगैरह सब तोड़ देता, वो एमसीबी ट्रिप हुआ इसीलिए बचा, ठीक है। तीसरी बात आपने क्या कहा कि एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ता है, एम्बिएंट टेम्परेचर डेफिनेटली बढ़ेगा, यदि आपका डीजी सेट एक क्लोज रूम में रखा हुआ है, दिस इज द रूम और ये आपका डीजी सेट रखा हुआ है, हमारे एयर कूल्ड हो चाहे वाटर कूल्ड हो इसमें क्या होता है आगे फैन होता है, 3 लीटर का फैन होता है या फिर एग्जॉस्ट फैन। अब और दूसरा हमारा क्या होता है साइलेंसर से हमारा धुआं यदि रूम के अंदर डीजी सेट है तो ये एग्जॉस्ट बाहर निकलना चाहिए, रूम से बाहर होना चाहिए और इस एग्जॉस्ट फैन या रेडिएटर के सामने यहाँ पर ओपन विंडो होनी चाहिए, तो क्या होगा यहां से इधर भी एक विंडो होनी चाहिए, इधर से आपकी फ्रेश एयर आएगी एट एम्बिएंट टेम्परेचर मतलब 40-45 डिग्री सेल्सियस के या सर्दियों में जो भी एम्बिएंट का टेम्परेचर वातावरण का जो भी टेम्परेचर है वो टेम्परेचर से गैस से हवा अंदर घुसेगी, आपका एग्जॉस्ट है वो बाहर निकल गया और केनोपी की जो हीट है वो एग्जॉस्ट फैन के थ्रू बाहर डेसिपेट हो गई। तो यदि आप देखेंगे इस कंडीशन के अंदर तो आपका यदि एम्बिएंट टेम्परेचर यहां पर एक्स है तो केनोपी के अंदर जो टेम्परेचर होगा वो एक्स प्लस 8 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी डीजी के आसपास का टेम्परेचर मेंटेनेशन मेंटेन करना है, मेंटेन करना। देखो ये तो बहुत बेयर मिनिमम से एक थंब रूल है कि आपको एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकालनी मतलब जो हवा है वो बाहर निकालनी है, और ये जो एग्जॉस्ट है इस एग्जॉस्ट की दो एडवांटेज है, एक तो टेम्परेचर बढ़ाएगा ही बढ़ेगा, दूसरा आपकी जो हवा की क्वालिटी उसको भी खराब करेगा हवा की क्वालिटी वो ही दोबारा तो ऑक्सीजन तो है ही नहीं उसके अंदर, तो सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, तो आपकी उस वक्त में क्या होगा आपकी नहीं आपकी डीजी की कैपेसिटी भी डाउन हो जाएगी। कभी भी रूम के अंदर यदि डीजी सेट रखा हुआ है जैसे ये रूम है इसके अंदर डीजी सेट रखा हुआ है तो मेरे को पीछे आगे विंडो खोलनी पड़ेगी और एग्जॉस्ट को बहुत सिंपल है थंब रूल है किसी भी डीजी सेट में। तीसरी चौथी बात अभी हमारे कुछ इंस्टॉलेशन इस तरीके से आए हैं कि ये इस तरीके से तो कस्टमर ने टावर खड़ा किया हुआ है और नीचे डीजी सेट को ऐसे ही है जियो में। अब क्या होता है इसका एग्जॉस्ट ये यहाँ पे छोड़ देते ये एग्जॉस्ट इस जगह पे छोड़ते और ऊपर इनका BTS लगा हुआ है। अब इनकी प्रॉब्लम क्या है कि यदि इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे तो ये पूरा स्मोक किस पे जाता है BTS पे, तो उनका BTS खराब होता है तो वो क्या करते हैं पाइप लगा देते हैं। ये पाइप तो लगा दिया उन्होंने
लगाना भी चाहिए, हमको कोई ऐतराज भी नहीं 10-15 फीट एक्सटेंशन कर ले तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि यदि इस पाइप को इस तरीके से लगाया तो पहले तो ये बताओ ये इंस्टॉलेशन सही है? नहीं सर, क्या गलती है? यहाँ पर कितना सपोर्ट होगा कि ये पाइप करीबन आधा इंच पौना इंच ऊपर उठाऊंगा, ठीक है? एक सपोर्ट यहां पे होना चाहिए, दूसरा सपोर्ट इस जगह पे होना चाहिए। अब ये क्या हो गया तुम्हारा?